आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हर कोई अपना भविष्य उज्जवल बनाने की दौड़ में लगा है। एक लंबी प्लानिंग बना रखी है जिंदगी की, लेकिन दूर की सोच में कभी कभी नजदीकी मामले बिगड़ जाते हैं। कुछ बड़ा हासिल करने की कोशिश में जो हाथ में है वो भी खो जाता है। आज की ये कहानी एक ऐसे दिल दहला देने वाले सच की तरफ इशारा करती है जिसकी अनदेखी करके एक परिवार ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। मम्मा, मैं आपको कितना मिस करता हूँ, आप फैक्ट्री क्यों गए? I'm sorry बेटा, बस मम्मा अभी आती है आपके पास, बस थोड़ी देर में। पर हाँ अथर्व, तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे अकेले, ठीक है? मम्मा आ रही है। कौन लगी मुझे? दीजिए मुझे फोन। अथर्व, एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले जाओ डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके ओके बच्चे। मेरा बेटा है छोटा सा, वो अथर्वा, 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 अथर्वा। सात साल का है हमारा बेटा अथर्व, पता नहीं कहाँ चला गया, किस हाल में होगा वो। आपने उसे आखिरी बार कब देखा? सर शाम को लगभग 5 बजे बात हुई थी सर फोन पे उससे। उस समय वो साइकिल लेके पार्क में खेलने जा रहा था सर। किसके साथ? सर अकेले ही जा रहा था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले जाओ डायरेक्ट खेलने। पापा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। उसने ग्रे कलर की जैकेट पहनी थी जिसमें मैंने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। सर प्लीज उसे ढूंढ निकालो, हमारा एक लौता बेटा है वो, 4 साल बाद हुआ है, पता नहीं किस साल में होगा मेरा अथर्व। सर बस अभी आधे घंटे पहले उनका फोन आया था फिरौती के लिए। 15 लाख रुपए मांग रहे थे वो, और पुलिस को ना बताने की धमकी भी दी थी उन्होंने। आप लोग चिंता मत कीजिए, पुलिस को बताकर आप लोगों ने सही कदम उठाया। आप हमें वो नंबर दे दीजिए जहां से कॉल आया था, हम उस किडनैपर की लोकेशन ट्रेस कर लेंगे। हेलो। अरे कैसे माँ बाप हो तुम, अपने बच्चे पे जरा भी तरस नहीं आया? हमें धोखा दिया, अब देखो तुम्हारे बच्चे के साथ मैं क्या करता हूँ। देखिए देखिए, हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए प्लीज, कुछ मत कीजिए। हेलो हेलो, क्या हुआ भाई? था सर, मुझे पता चल गया कि आप लोग हमारे साथ हैं। सर जिस किडनैपर का फोन आया था उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, जल्दी चलो। ये ताला तोड़ क्या सर? मिस्टर वहां देखो सर। चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया ताकि शिनाख्त ना हो। चल अब सब सच सच बताओ वरना डंडे से बुलवाऊंगा। हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो लाश ठिकाने लगा रहे थे बस। किसने मारा इसको? किसने मारा? चीनू, चीनू, साहब चीनू, वो उसके एचआर की कंपनी में काम करता था साहब। 2 महीने पहले चीनू को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तो उसने गुस्से में इस बच्चे का किडनैप कर लिया साहब। हमें भी पैसे का लालच देकर हमें साथ में मिला लिया साहब, उसी ने मारा है, उसी ने इसका चेहरा भी खराब किया है। पैसों के लिए किसी के साथ भी किडनैपिंग का प्लान कर लेगा तू?
मर्डर और किडनैपिंग का चार्ज लगेगा तुझ पे, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। मिस्टर सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता लगाओ कि ये चीनू कौन है। सर अपने बेटे अथर्वा के अपहरण और उसकी मौत के बाद राधा और समर टूट चुके थे। 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस के कड़े संघर्ष के बावजूद अब भी एक अपहरणकर्ता उनके हाथ से दूर था। मम्मी आइसक्रीम दिलाओ ना। हाँ भाई साहब, आप हिसाब करो, मैं अभी आई। चलो कितना हुआ भैया? आप आलू को भी बेच रहे हैं कि सोना बेच रहे हैं? आपको 100 रुपये दूंगी मैं, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं दूंगी। अमन, अमन भैया, भैया अभी मैंने यहाँ मेरा बच्चा आया था, मैंने आइसक्रीम ली थी, आपने देखा? अमन, आपने मेरे बेटे को देखा क्या? अमन, 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 मम्मा को छोड़ के ऐसे कहीं जाते हैं क्या बेटा? कहाँ थे आप? बहन जी, मोल भाव के चक्कर में ऐसे बच्चे को भूलना गलत है ना। 2 पैसा ज्यादा किया तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अगर बच्चा खो गया तो जिंदगी उजड़ जाती है। हमें अब ठीक होना बेटा। माँ, माँ जी, हम इसकी माँ है, ये हमारा बेटा है। हमारे पोते को ऐसी माँ की कोई जरूरत नहीं। अरे तेरी वजह से ही मरा है अथर्व। मृदुला, अब बस भी करो। हमारा नाम शरद है, हम इस शास्त्री नगर में रहने वाली है। राधा माथुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। क्या हुआ? हम अखबार बांटने का काम करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हम अखबार डालने आज उसके घर गए तो उसने हमें बुला के बहुत मारा साहब। क्या कर रहे साहब? एकदम पागल हो रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि घर वाले हमें आके बचा दी, नहीं तो वो आज हमको मार ही डालते। अजय, इनकी कंप्लेन लिखो। चलिए। राधा माथुर, ये वही है ना मिश्रा, शास्त्री नगर किडनैपिंग केस वाली? जी सर, उस किडनैपिंग में उनके बच्चे की जान गई। क्या वाकई राधा ने अथर्वा को देखा था? क्या अथर्वा जिंदा था?
अथर्वा की यादें अब भी राधा के दिलो दिमाग पर छाई हुई थी। वो एक ऐसे दर्द से जूझ रही थी जिसकी चुभन शायद ही किसी की समझ में आए। एक माँ के लिए ये एक बड़े इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन सच शायद अब भी किसी पर्दे में छुपा था। हेलो, वो ग्रे जैकेट तुम्हारे बच्चे का फेवरेट जैकेट है ना? हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आप कौन बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो, आज का ये केस आपके यकीन की बुनियाद को हिला देगा। एक अपहरण के 6 महीने के बाद आया फिरौती का कॉल। क्या राज था इसके पीछे? क्या वाकई अथर्वा जिंदा है? क्या सच में राधा ने उसे देखा है? तो फिर जिसे मृत अथर्वा मानकर अंतिम संस्कार कर दिया गया था वो कौन था? कई राज थे जिन पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। आपने उस न्यूज़पेपर वाले को क्यों मारा? क्योंकि पागल है, इसका दिमाग खराब है। आपको यकीन नहीं आता तो इसके डॉक्टर से पूछ लीजिए। देखिए, हमने सवाल राधा से किया है, आपसे नहीं। बताइए। हमें उसमें एक नोट मिला था। क्या ये तूने लिखा है ना? ये उस न्यूज़पेपर में मिला था हमें, और इतना ही नहीं तो अथर्वा में पार्क में भी दिखा था, बस उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। वो अथर्वा ही था, उसने अपनी फेवरेट जैकेट भी पहनी थी जिसपे हमने खुद ने अपने हाथों से उसका नाम लिखा था। किसी आदमी के साथ आया था, वो वहां से चला गया। पर अथर्वा तो नहीं? नहीं, अथर्वा जिंदा है। हमें कॉल भी आया था, उस आदमी ने भी हमें ये बता कि अथर्वा जिंदा है। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन? हमें तो अथर्वा की लाश मिली थी। किसने मारा इसको? चीनू। अथर्वा का किडनैपर चीनू अभी तक लापता है, लेकिन अथर्वा के कपड़े देखकर आप ही लोगों ने उसकी लाश की शिनाख्त की थी। हाँ, हमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, लेकिन हमारा दिल तब भी नहीं माना था। हमने तो उस बच्चे के शर्ट पैंट और कद काठी से अंदाज लगा दिया था, पर उस बच्चे का चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कुछ कुछ पक्का नहीं कह सकते। वो जैकेट भी तो नहीं मिली। मैं कहती हूँ ताई जी, मेरा अथर्वा जिंदा है। हाँ मेरा अथर्वा जिंदा है, मैं कहती हूँ यकीन से। मृदुला जी, आप इन पर हाथ नहीं उठा सकती। हम अपनी बहू के साथ क्या कर सकते क्या नहीं, ये आपसे नहीं सुनेंगे। ये आपकी पुलिस चौकी नहीं है, लेकिन ये हमारा घर है। इस तरह तुम किसी पर हाथ नहीं उठा सकती। समर कहाँ है? जब से अथर्वा गया है वो घर में रहते ही कहाँ है। आपने उसे बताया इन कॉल्स के बारे में? नहीं, हमने उन्हें कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। ठीक है, आप वो नंबर हमें दे दीजिए। 6 महीने के बाद फिर से फिरौती का फोन आने पर इस केस में नया मोड़ आ गया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि कोई अपहरणकर्ता 6 महीनों तक खामोश रहे और फिर फिरौती की रकम की मांग करे? इतने दिनों की खामोशी के बाद जैसे राधा की थमी हुई जिंदगी में तूफान उठ खड़ा हुआ, और यह तूफान महज एक संकेत नहीं था, इसके बहाव में बहुत कुछ बह जाने वाला था। समर, आप कहाँ थे? हाँ, मैंने आपको कितने कॉल किए, आपने फोन का जवाब क्यों नहीं दिया? समर, मैं क्या पूछ रही हूँ, आप कहाँ थे? हमने तुमसे कभी पूछा है कि पिछले 6 महीनों से तुम कहाँ थी? पूछा है कभी? हम तो घर पर ही थे। हाँ, घर पर तो तुम थी,
बस तुम्हारा दिल यहाँ नहीं था। तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर। तुम्हारे ही नंबर से फिरौती का कॉल आया था। इन लोगों को कैसे जानते हो तुम? सर मेरे आईडी पे ये नंबर, सर ना ये नंबर मेरा है और ना ही मैं जानता हूँ। मेरा यकीन कीजिए सर, इस किडनैपिंग और मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं। हाँ सर, ये सारे आईडीज हमारे ही हैं, पर हमने ऐसे किसी भी पेपर पे ये नंबर नहीं लिया। 13 जुलाई को सुबह से शाम कहाँ थे? सर उस दिन मैं शहर में ही नहीं था, दिल्ली गया था अपने दोस्त की एक शादी में। सर मैं एक स्कूल टीचर हूँ, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस थे, मैं वही थी। सर दोनों की बातें में कुछ सस्पिशियस नहीं लगा, लगता है कि सच बोल रहा है। अथर्वा मर चुका था, उसका अंतिम संस्कार खुद समर ने अपने हाथों से किया था। राधा ने भारी मन से सच को स्वीकारा था। क्या सच पूरी तरह बेनकाब हो गया था या अब भी कुछ राज थे जो सामने आने बाकी थे? मुझे तुम्हारी बात का यकीन है, लेकिन उस कॉलर के बारे में तुम्हें पुलिस को नहीं बताना चाहिए था। अगर उस किडनैपर को पता चल गया तो राधा तुमने फिर से वही गलती कर दी। राधा की उम्मीदें बढ़ती जा रही थी, उसका मन आशा और आशंका से भरा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, वो छोटी से छोटी बात को भी बारीकी से टटोल रही थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई करीबी राधा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। कहीं राधा किसी की नफरत का शिकार तो नहीं बन रही थी? पागल हो गए तुम, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो? क्या अथर्वा जिंदा है? आपको तो खुश होना चाहिए समर। खुश होना चाहिए? सच तो यह है कि अथर्वा मर चुका है, हमने अपनी इन्हीं हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया है। राधा जब से वो गया है तब से हम देख रहे हैं, एक बार भी पलट कर आपने उसकी तस्वीर नहीं देखी। पता नहीं कौन से दुनिया में खोए हैं आप, उसके दर्द में लिपटे हैं आप, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। हम जिम्मेदार हैं। मुझे मत भूलो राधा कि पुलिस को बताने का फैसला हम दोनों का था, सिर्फ हमारा नहीं। लेकिन उसे पार्क में अकेले भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ आपका था। एक काम करो बेटा, तुम पार्क चले जाओ डायरेक्ट खेलने। पापा लेकिन मैं अकेले जाऊंगा। मम्मी आ जाएगी तुम्हें पार्क में लेने के लिए। ओके। हाँ। तुम ठीक कह रही हो, हमने खुद अपने बेटे को मारा है, मर चुका है वो। कि भगवान के लिए ये सब बकवास बंद करो कि वो जिंदा है। सर रवीना और प्रकाश के बारे में पता किया, दोनों सच कह रहे हैं। किसी ने उनके आईडी और डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करके वो नंबर्स लिए थे 10 जुलाई को, और उस नंबर से सिर्फ राधा को फोन किया गया। पर कोई ऐसा करेगा क्यों? प्रकाश और रवीना के हिसाब से उन्होंने पिछले 1-1.5 साल में अपने आईडी किसी को नहीं दिए, तो फिर किडनैपर के पास उनके आईडी कहां से आए और वो चाहता क्या है? हेलो, बच्चा चाहिए जिंदा। तो आज भी रकम वही है, 15 लाख। कब और कहां वो मैं फोन करके बताऊंगा। और हाँ, इस बार पुलिस को बताने की गलती मत करना, वरना इस बार मैं बच्चे को सचमुच मार डालूंगा। अरे ताई जी, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि हम जानते थे कि इस बात का तुम पर क्या असर होगा। इस पर असर होगा? असर तो हम सब पे हो रहा है, इसके साथ साथ हम सब पागल हो रहे हैं। देखिए ये जो भी है, आप लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करके फिरौती की रकम हासिल करना चाहते हैं। उसे पता है कि आप लोग फिरौती के लिए मान जाएंगे। आप लोग वो नंबर हमें दे दीजिए जिससे कॉल आया था। ये जो भी है राधा के आसपास का है, जो उसे अच्छे तरीके से जानता है। मिश्रा, राधा की सास मृदुला से उसके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे, और पिछले 6 महीने में वो रिश्ते और बिगड़ गए। पर वो राधा को पागल ठहराने की कोशिश भी कर रही है। राधा के साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं जिससे वो काउंसलिंग ले रही है।
उससे हमें राधा की दिमागी हालत के बारे में पता लगेगा। एक माँ के लिए अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता, और राधा ने तो अपने बच्चे को खोया है। वो इस हादसे से निकलने के लिए बाहर कोशिश कर रही है, लेकिन उसके लिए इतना आसान भी नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि राधा का अपनी सास से कैसा रिलेशन है? माफ कीजिएगा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतना तो बता सकता हूँ कि इश्यू जरूर है। सर, आप बोलो। सर, राधा के साथ समर के लिए रिश्ता देखने गई थी पंडित जी के पास। ठीक है, बुलाओ उन्हें थाना। हाँ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी कराना चाहते थे, क्योंकि राधा हमें बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमें अपने घर के लिए घरेलू बहू चाहिए थी, ना कि राधा जैसी आधुनिक बहू। लेकिन हमारी जेठानी सुलेखा, उसे राधा बहुत पसंद थी, इसीलिए हमारी मर्जी के बिना उसने ये शादी तय कर दी। तो क्या वो राधा को जानती थी? नहीं, हमारा सांझा कारोबार है, और हमारी और हमारी जेठानी के बीच में ये तय हुआ था कि फैक्ट्री वो संभालेंगी और घर को हम संभालेंगे। लेकिन धीरे धीरे वो घर पे भी कब्जा करने लगे। 4 साल तक हमारी बहू को कोई बच्चा न हुआ, और फिर अथर्व हुआ, और हमारी जिंदगी में एक खुशी की लहर आ गई। अथर्व के प्यार की वजह से हम अपनी नफरत को भी भुलाने लगे थे। हमारी जेठानी की शह पर राधा फैक्ट्री में काम करने लगी। अगर उस दिन वो काम पर नहीं जाती तो ये सब कुछ नहीं होता। और फिर आप लोगों को उसके अगवा होने की खबर देकर उसने और बड़ी गलती की। किडनैपिंग के केस में पुलिस को जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना जरूरी होता है। उसका नतीजा देख चुके हम। आप लाख दलीलें दे, लेकिन ये इल्जाम आप पर और राधा पर ही आएगा। तो अपनी इस नफरत के चलते आपने अपने पोते के नाम पर अपनी बहू को पागल बनाकर उससे छुटकारा पाना चाहते, ताकि आप अपने बेटे की दूसरी शादी कर सके। देखिए, हम राधा से नफरत जरूर करते हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसके लिए हमें अपने पोते के नाम का सहारा लेना पड़े। ठीक है, फिलहाल आप जा सकते हैं। मृदुला पे नजर रखो, पता करो कि हाल फिलहाल में ये किसी अनजान या सस्पिशियस आदमी के टच में तो नहीं आई, और ये भी पता करो कि जब कॉल्स आए थे तब ये कहां थे। सर, कि अथर्व के जाने के बाद से हम तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाए, और तुम भी इन फोन कॉल्स के कारण काफी परेशान रहती हो। देखो राधा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। गोद ले लें? मतलब हमारा बच्चा जिंदा होने के बाद भी हम बच्चा गोद कैसे लें? अथर्व मर चुका है राधा, और तुम इस सच्चाई को जितनी जल्दी मान लो उतना ही अच्छा है। राधा, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? कोई तुम्हारी भावनाओं के साथ गंदा मजाक कर रहा है। 6 महीने के अंधेरे के बाद मुझे एक रोशनी की किरण मिली है। अब उस किरण को मैं अंधेरे में खोने नहीं दूंगी। मैं अपना बच्चा वापस लेके रहूंगी, चाहे मुझे उसकी कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। यादों को पकड़ के रखूंगी राधा, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी तुम। आज मैं अथर्व की सारी यादें खत्म कर देती हूँ। अथर्व, अगर तुमने फिर से पुलिस को बताया तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। हेलो सर, राघव बंसल, इस बार जिस नंबर से फोन आया था वो इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। राधा के फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं, रावतपुर का रहने वाला है। पिछले साल लखनऊ शिफ्ट हुआ, वहां इसकी दुकान है। प्रकाश और रवीना की तरह इसकी आईडी को भी मिसयूज किया गया। मिश्रा, ये जो कोई भी है इतने आईडीज ला कहां से रहा है? अलग अलग लोग, अलग अलग लोकेशन। सर ये नंबर की लास्ट लोकेशन ट्रेस हो गई है, फोन शाहपुर से किया गया है। ठीक से देखो उस तरफ, चेक करो। वहां सर, सर गोडाउन की तरह यहां भी कोई नहीं, और ना ही कोई क्लू है। सर एक कॉलर बड़ा ही तेज,
ज्यादा तेज दौड़ने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। साहब, यहाँ पर किसी को आते जाते देखा है? वहाँ, हाँ देखा है साहब। क्या देखा? गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी। बड़ी गाड़ी मतलब क्या? वैन, टेम्पो? हाँ टेम्पो। एक बच्चा बैठा था और चला गया। बच्चा? कैसा बच्चा? चेहरा देखा उसका? नहीं, 8-10 साल का बच्चा था, बैठा और चला गया। ठीक है जा। सर क्या राधा की बात सच हो सकती है? वो बच्चा अथर्व हो सकता है? तो मिश्रा, एक शराबी की बात पर भी कैसे भरोसा किया जाए? चलो, ये भी तो पॉसिबल है कि अथर्व की मौत का कोई सोची समझी साजिश के तहत फायदा उठाना चाहता हो सकता है। अब ये बात तो वही बता सकता है जिसने अथर्वा को आखिरी बार देखा था। कौन सा बच्चा साहब? हम समझे नहीं। जब डंडा अंदर जाएगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। जिस बच्चे को तुझे गाड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ा था उसकी बात कर रहे हैं हम, अथर्वा की। वो लाश अथर्वा की नहीं थी साहब, वो किसी लावारिस बच्चे की थी। तो फिर अथर्वा का क्या हुआ? चीनू ले गया उसे। सारा नाटक चीनू का रचा हुआ है साहब। उसको पैसे नहीं मिले थे तो भड़क गया था वो। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? चीनू ने हमें आप लोगों से झूठ बोलने के लिए कहा था, उसके बदले वो हमारे परिवार की मदद करेगा। पर साहब, उसने हमारे परिवार को पलट कर भी नहीं देखा। अब तक तो सिर्फ राधा ही थी जो अथर्वा के जिंदा होने का दावा कर रही थी, लेकिन अब समर ने भी फोन पर एक ऐसे बच्चे की आवाज सुनी थी जो काफी हद तक अथर्वा जैसी थी। ऊपर से बब्बन ने भी अपनी बात बदल दी थी। कल तक पुलिस बब्बन की गवाही पर और अथर्वा के घर वालों की शिनाख्त पर फार्म हाउस में मिली लाश को अथर्वा की लाश मान रही थी, लेकिन अब इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अथर्वा सच में जिंदा था। क्या अपहरणकर्ताओं ने सही मौके की तलाश में इतना इंतजार किया था? पुलिस के लिए ये केस दिन ब दिन उलझता जा रहा था। झूठ कभी एक डाली पर नहीं टिकता, जहाँ फायदा हो वहाँ उछल कर चला जाता। अगर ये बब्बन एक बार झूठ बोल सकता है तो हो सकता है इस बार भी बोल रहा हो। लेकिन उसकी बात सच निकली तो? मिश्रा पता करो कि उस दौरान किसी ऐसे बच्चे की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई गई थी क्या, जो उम्र और दिखने में बिल्कुल अथर्वा जैसा लगता। अगर वो लाश अथर्वा की नहीं थी तो किसी की तो होगी। सर मुझे तो अब भी ये विश्वास नहीं हो रहा, कोई किडनैपर 6 महीने तक बच्चे को क्यों पाले? और अगर शराबी की बात माने, बच्चा खुद अपनी मर्जी से वैन में बैठा बैठा और चला गया। हो सकता है कि वो टेम्पो वाला उसका जान पहचान का? सर शक तो अथर्व की फैमिली पे भी जाता है। हो सकता है असली मुजरिम परिवार में ही छुपा, बबन और चीनू के साथ कोई तीसरा भी मिला हुआ हो सकता है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो निकम्मा जो राधा को बार बार फोन करके तंग किया करता था। अरे शांति, कैसे चल रही हो? जरा नीचे देख के चला करो। मिस यू। ये अब ये कचरा तुम्हें कहाँ से मिला? निखिल भैया के रूम से मिला कचरा। जब काम वाली ने हमें बताया कि वो कचरा उसे इसके रूम में से मिला था, तब हम फौरन इसके रूम में गए और देखा तो पेपर के बहुत सारे टुकड़े पहले से ही वहां पड़े हुए थे। हमें तो पहले ही शक था कि अथर्वा की किडनैपिंग में तेरा हाथ है, लेकिन उस वक्त कोई सबूत नहीं मिला। चल अब सब सच सच बता। सर हम सिर्फ राधा को परेशान करना चाहते थे और इसीलिए हमने उसको वो नोट भेजा था बस। क्यों किया तुमने ऐसा? क्योंकि हम राधा के जरिए अपनी माँ को चोट पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने हमें हमेशा समर से कम ही आकर, अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्व को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। अब तो उनके सगे बेटे हैं ना, लेकिन बिजनेस में भी उन्होंने हमेशा समर को आगे रखा। हम उनकी नजरों में हमेशा से बुरे बेटे थे। और अपनी इस नालायकी में तुमने अथर्व को किडनैप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर,
हमने ना ही अथर्वा किडनैप किया और ना ही उसका मर्डर। हमने कोई राधा को फोन कॉल भी नहीं किए, बस राधा को पहला नोट भेजा था। इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते, हम सिर्फ अपनी माँ का प्यार पाना चाहते थे सर। लेकिन अथर्व के किडनैपिंग और मर्डर के बाद भी हमारी माँ पूरी तरह से समर की हो गई। अगर इतना ही दिमाग तुमने अपने बिजनेस में लगाया होता तो शायद आज तुम्हारी माँ तुम्हें भी पसंद करती। सर, निखिल के कॉलर रिकॉर्ड्स और लोकेशंस को वेरीफाई किया, कुछ गड़बड़ी नजर नहीं है, लगता है कि सच कह रहा है। निखिल का पहले भी उस किडनैपर चीनू से कोई कनेक्शन नहीं निकला था, तो फिर और कौन हो सकता है? सर, वो चार लोग जिनकी आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके सभी डिटेल्स को चेक कर लिया। सर, सब लोगों में एक चीज कॉमन है। क्या? सर, पिछले 1.5 साल में इन चारों ने लोन के लिए अप्लाई किया, अलग अलग जगहों पे और अलग अलग रीजंस। प्रकाश को चाहिए था लोन गाड़ी खरीदने के लिए, रवीना को होम लोन चाहिए, राघव बंसल को एजुकेशन लोन चाहिए था अपने बेटे के लिए, और सानिया मल्होत्रा को पर्सनल लोन चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से किसी को भी लोन नहीं मिला, सभी के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए। तो यह है कॉमन लिंक। इन सब के आईडीज उन लोन एप्लीकेशन के साथ सबमिट की गई थी जो रिजेक्ट हो गए। मिश्रा, पता लगा कि इन बैंक से रिजेक्टेड एप्लीकेशंस के साथ जो आईडीज होती हैं वो कहाँ जाती हैं? और उन बच्चों का क्या हुआ जो अथर्वा के साथ मिसिंग हुए? सर, शाम तक फाइल्स आ जाएंगे। सर, अथर्व के डिस्क्रिप्शन से मैच करता हुआ सिर्फ एक ही बच्चा है जो उस दौरान गायब हुआ, पर वो केस भी अब तक क्लोज नहीं हुआ है। सर, नाम राहुल है, 14 जनवरी को विवेकानंद नगर से गायब हुआ। मिश्रा, हो सकता है ये वही बच्चा हो जिसकी लाश हमें मिली थी, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब एक इत्तेफाक। हाँ बोलो। क्या? सर, राधा और समर दोनों गायब हैं। साहब, कल शाम से दोनों गायब हैं, हमें तो बहुत चिंता हो रही है। वो घर से किस वक्त निकले थे? पता नहीं, पर हाँ साहब, कल हमने उन दोनों को उन्हीं के कमरे में देखा था, शाम को करीबन 7-8 बजे। साहब, हमारे सारे गहने भी चोरी हो गए, कल ही हमने बैंक से निकलवाए थे। आपने अपने सारे गहने घर पे लाके क्यों रखे थे? फिरौती के लिए, सब इनकी वजह से हुआ है। इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, इसीलिए हमें बैंक से गहने निकालने पड़े ताकि पैसों का इंतजाम हो सके, लेकिन वो भी चोरी हो गए। हमें तो लगता है ये सारे पैसे राधा और समर ने ही चोरी किए हैं। अगर राधा और समर ने फिरौती के लिए ये पैसे लिए हैं, तो मृदुला जी को क्यों नहीं बताया? वो तो तैयार थी। ये राधा और समर अचानक से कहाँ चले गए, और वो भी ज्वेलरी लेकर? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किडनैपर को फिरौती की रकम देने गए हो चोरी छिपे? सर, उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाए। इसके अलावा वो चार लोग जिनके आईडीज पे वो फेक नंबर्स लिए गए, उनके बारे में भी पता लगा। उन्होंने जिन कंपनी में लोन के लिए अप्लाई किया था वहां पे भी बात की, तो पता चला जिन लोगों के लोन रिजेक्ट होते हैं उन सभी के पेपर्स एक ही टेलीमार्केटिंग कंपनी को फॉरवर्ड होते हैं, बिग रीच। पता लगाओ कि इस कंपनी में किस किस को इन डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस मिलता है। सर, और हमें इस चीनू को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा। हर PCR, ट्रैफिक पुलिस और अपने खबरी नेटवर्क को फिर से अलर्ट करो। सर, 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 ये राधा और समर के कॉल रिकॉर्ड्स है, ये दोनों रेगुलर एक अननोन नंबर के टच में है, और वो नंबर PCO का है। पता करो किस PCO का है। सर, मिश्रा, हमें समर के ऑफिस जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में भी पता लगाना होगा। उसने अपने घर में चोरी अपने बच्चे के लिए की है, या फिर कोई और बात है? सर, ये देखिए, पिछले 1 साल में जितना प्रोडक्शन हुआ है, रिकॉर्ड्स के हिसाब से सेल उससे काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल, लेकिन प्रॉफिट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है। क्या चल रहा है ये सब? सर, मुझे कुछ नहीं पता, मेरा काम यहाँ पे सिर्फ फ्लोर मैनेज करना है, अकाउंट्स मैं नहीं देखता हूँ। चलो। अथर्व के किडनैपिंग के पहले से ही समर किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व लगता है। हो सकता है कि सब कुछ समर ने ही प्लान किया और राधा भी उसका साथ दे रही है। समर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इतना तो साफ है। हो सकता है इतने दिनों से राधा और समर उस PCO वाले नंबर पर उसके डैपर चीनू से ही बात कर रहे हो। लेकिन सर, कोई माँ बाप अपने बेटे की किडनैपिंग और मर्डर प्लान कर सकते हैं? सर, एक मिनट। PSI मिश्रा,
ठीक है, हम अभी आते हैं। सर, जुगईपुर में गैबेंडेंट बिल्डिंग के पास पीसीआर ने चीनू को स्पॉट किया। इस बार बस के जाना नहीं चाहिए। देखो आर्थर ठीक से। सर चलो। सर चीनू। इसका मतलब हमारा शक सही था। चीनू और बब्बन के अलावा कोई तीसरा भी इस केस में इन्वॉल्व। सर ये बता रहे थे यहाँ पे किसी को आते जाते देखा है। किसको देखा है, पहचान सकते हो? नहीं सर, शक्ल तो नहीं दिखा, लेकिन कोई औरत थी। औरत? सर ये औरत राधा हो सकती है। हो सकता है समर और राधा ने मिलकर ही पूरी प्लानिंग की, खुद गायब हो गए और चीनू को रास्ते से हटा दिए। सर ये कार्ड मिला, मोबाइल रिचार्ज का। मिश्रा मोबाइल कंपनी से पता करो कि इस कार्ड से कौन सा नंबर रिचार्ज किया गया है। जरूर चीनू ने इससे अपना ही नंबर रिचार्ज किया होगा। सर सर चीनू के कॉल डिटेल्स आ गए, एक नंबर से वो रेगुलरली टच में, और राधा या समर नहीं। अथर्वा की किडनैपिंग में आप ही का हाथ था ना? हाँ। बस अब ये हम सारी बातें अपने अंदर नहीं रख सकते। क्यों किया आपने ऐसा? शायद अपनी झूठी अहंकार की वजह से। हमारे और मृदुला के पति के मरने के बाद हमने अपना बिजनेस अपने बलबूते पर खड़ा किया था, और हमारा बिजनेस ठप होता जा रहा था। हमें पैसों की सख्त जरूरत थी, और मैं ये भी जानती हूँ कि मृदुला के पास 10-12 लाख के गहने थे। वो गहने आप मृदुला से मांग भी तो सकते। कैसे मांगती, मैं छोटी नहीं पड़ जाती उसके सामने? मृदुला अपने गहने में रखती थी, और हम उन्हें चोरी नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने बच्चे का किडनैपिंग का प्लान बनाया। और हम वो गहने निकालने के लिए घर वालों को ये बताने ही वाले थे कि अथर्वा किडनैप हो गया है, पर उससे पहले समर और राधा ने पुलिस में अथर्वा की मिसिंग कंप्लेन कर दी। हम बहुत डर गए थे, और इसीलिए हमने चीनू को फोन करके कहा कि वो अथर्वा को छोड़ दे। हमने कहा ना कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम अथर्वा को छोड़ दो। ए बुढ़िया, तुझे क्या मैं बेवकूफ लगा? एक तो तूने मुझे 1 लाख रुपए देने का वायदा किया, और अपनी बात से अभी पलट रही है। एक अब प्लान कैंसिल नहीं होगा। ये सब आपने हमें पहले बता दिया होता तो अथर्वा को ढूंढने में आपकी ये इन्फॉर्मेशन हमारे काम आ जाती। सर हमने कहा ना कि हम बहुत डर गए थे, पर हम कुछ कर पाते उससे पहले चीनू ने अथर्वा को तड़पा तड़पा के मार डाला। चीनू को कब मारा? 3 दिन पहले अथर्वा की किडनैपिंग और बाद में उसकी मौत को लेकर चीनू हमें फोन करके ब्लैकमेल करता रहता था। हमें पता था कि अथर्वा 6 महीने पहले ही मर चुका है, और वो अथर्वा ही था जिसकी लाश बब्बन ने ठिकाने लगाई थी, और जिसका अग्नि संस्कार खुद समर ने ही किया था। और अब लग रहा था कि वो चीनू ही है जो राधा को फोन करके और पैसे निकलवाना चाहता है। ये लोग कहीं उसकी बातों में आकर और पैसे ना दे दे, इसलिए हमने ही गहने चुराए। एक ही बार सारा पैसा लेकर सारा मामला खत्म करने के लिए वहाँ बुलाए। ये लो तुम्हारे पैसे, अब हमारा हिसाब खत्म, समझे? हमें अथर्वा की मौत का नजारा सामने आ रहा था। बदला लेने के लिए हमने चीनू को मार दिया। चीनू के मरने के बाद भी राधा को फोन आ रहे थे, इसका मतलब कोई और भी है खेल में। पीएसए मिश्रा, क्या ठीक है? अथर्वा के जिंदा होने की खबर से कहीं ना कहीं सबको खुशी मिली थी, और सब उस तक पहुंचने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि अथर्वा मर चुका था, और बब्बन ने भी अपनी सजा कम करवाने के लिए पुलिस से झूठ कहा था। ये केस तो साफ हो चुका था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। अब भी कई सवालों के जवाब बाकी थे। पुलिस अब भी उस इंसान की तलाश में थी जो राधा के दुर्भाग्य का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा बेटा अथर्वा भी जिंदा है। आखिर कौन था वो? अरे,
बताता हूँ साहब, बताता हूँ। बोल। मैं लोगों के आईडी प्रूफ देता था साहब। किसको? साहब वो साइकोलॉजिस्ट उमेश बख्शी को साहब। अरे भाई, ऐसे कैसे आप लोग घुसे हैं? अभी बताते हैं, तलाशियो। सर, ये उनमें से एक नंबर है जिससे राधा को फोन किया गया, मतलब हो ना हो ये तीनों नंबर भी वही हैं। ना खुद को बचाने की कोशिश करना ना झूठ बोलना, वरना तुझे इतने शॉक दूंगा कि तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बोल। हाँ, मैं समझ गया था कि राधा अपने बच्चे को दोबारा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैंने उसे मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हेलो, तुम्हारा बेटा अथर्व अभी जिंदा है। अथर्व! अथर्व! राधा ने अपने काउंसलिंग के दौरान मुझे जो कुछ भी कहा मैंने उसके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और जब तूने राधा की कहानी सुनी तो तुझे लगा कि उससे पैसे ऐंठना तेरे लिए आसान हो जाएगा। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो जाता अगर आप लोग बीच में ना आते तो। इंसान को कामयाबी मेहनत से मिलती है, किसी को धोखा देकर या अपराध करके नहीं। अब अपनी बाकी की प्रैक्टिस जेल में करना, लेके चलो इसको। सॉरी सॉरी। सर, पीसीआर से रिपोर्ट आई, समर और राधा को आजाद नगर में देखा गया। क्या हो रहा है सब? पकड़ो इन सबको, किसी को मत छोड़ना। चलो पकड़ो, लेके जाओ सबको। ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? अपनी किडनीज बेचने जा रहे थे। सर, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था सर। फिरौती वाले पैसे मांग रहे थे और उनको देने के लिए कुछ नहीं बचा था सर हमारे पास। अथर्व को कैसे लाते हम लोग सर? अब आप कुछ भी कर लें, अथर्व को कभी वापस नहीं ला पाएंगे। वो सचमुच पड़ चुका है। हमें यह भी पता लग गया है कि उसका किडनैप किसने किया था। किसने सर? मेरा 18 साल का इकलौता लड़का रोहन कल से घर नहीं लौटा, प्लीज इसको ढूंढ निकालिए। बेटी, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा रोहन बाजवा घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए, ना तो वो वहां पहुंचा ना ही घर लौटा, और अब उसका फोन भी बंद है। किसी पे कोई शक? इंस्पेक्टर साहब, मेरी गारमेंट की फैक्ट्री वाइन शॉप से, रोहन मेरा इकलौता बेटा है, अब मैं किस किस पे शक करूं? अच्छा, कोई रैंसम कॉल आया या रोहन घर से कुछ लेके गया हो, पैसे जेवर या कुछ और? नहीं नहीं, मेरा बेटा तो ATM कार्ड भी इस्तेमाल नहीं करता, और जब उसको पैसे की जरूरत होती थी तो वो मुझसे मांग लेता था। अच्छा, रोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई चक्कर? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बस एक खराबी है, उसकी दोस्ती खराब लोगों से। किससे दोस्ती थी? उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता। आखिरी बार कब देखा था आपने उनको? कल 1 बजे जब वो ट्यूशन जा रहा था। आप रोहन की गाड़ी की डिटेल, रोहन का नंबर और उसके दोस्तों का नंबर लिखवा दीजिए, हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सर, कल से हमारी छोटी बहन अमृता घर नहीं लौटी है, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मर जाए वो तो अच्छा है, बहुत लड़कों के साथ घूमने लगी थी, अच्छा हुआ भाग गई, मेरे सर से बोझ हल्का हुआ। रोज रोज मुंह काला करवाने से अच्छा है एक दिन काली पोत के चली गई। उसका अफेयर था क्या चंदन या रोहन में से किसी के साथ? चाहे रोहन के साथ चक्कर हो या फिर चंदन के साथ या फिर दोनों के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो मर चुकी है। भगवान के लिए बस कर माँ, ऐसा मत बोल, छोटी बहन है वो हमारी, बस थोड़ी चंचल है वो। अमृता, माँ बहुत गुस्सा हो रही थी, तेरा यूँ रोज रोज लड़कों के साथ घूमना ना उनको बिल्कुल नहीं पसंद है। माँ का बस चले ना तो मुझे खूटे से ही बांध के रख, मैं ना आसमान में उड़ना चाहती हूँ, सब कुछ पाना चाहती हूँ। और देखना, एक दिन माँ खुद कही थी, अमृता तेरे साथ ऐसा होगा, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं। आखिरी बार आप लोगों ने अमृता को कब देखा था? सर, कल दिन को 2 बजे जब वो ट्यूशन के लिए जा रही थी। आप लोग सब साथ में ही रहते हैं? नहीं सर, मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मैं मायके आई हूँ, और सुनीता की शादी भी होने को है। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ते
हमारी छोटी बहन को ढूंढ के ले आई। पुलिस को अब भी पूरा यकीन नहीं था कि ये एक किडनैपिंग का केस है, लेकिन उन्होंने तहकीकात में अपनी पूरी जी जान लगा दी। तुम चिंता मत करो, हम देखते हैं जाकर के उसको। नमस्ते साहब। क्या चंदन यहीं रहते हैं? हाँ साहब, पर वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। हमने सोचा कि दोस्तों के यहाँ पढ़ाई करने गया होगा। वो अक्सर रात को दोस्तों के यहाँ पढ़ाई के लिए रुक जाता है और सुबह वहीं से कॉलेज भी चला जाता है। लेकिन सर, इस बार तो उसने आने में बहुत ही देर कर दी है। हम उसका नंबर भी लगा रहे थे पर वो भी बंद आ रहा है। हम आप ही के पास आ रहे थे। उसकी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई है। दिमाग बहुत तेज है हमारे चंदन का। पापा ये देखो मेरा रिजल्ट है, मैं आज फिर से फर्स्ट आ गया क्लास में। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है चंदन। शाबाश, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। कल ट्यूशन गया था, तब से घर नहीं लौटा हमारा चंदन। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अमृता का चंदन और रोहन दोनों में से किसी के साथ कोई अफेयर है क्या? साहब, आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी नहीं साहब, चंदन और अमृता के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बेटे का ध्यान तो पढ़ाई में लगा रहता है। हाँ, रोहन और अमृता के बीच कुछ हो तो मैं कह नहीं सकता। नेगी, तीनों में एक बात कॉमन है, तीनों आखिरी बार घर से ट्यूशन के लिए निकले थे। घर से कार लेके निकला था ट्यूशन के लिए। सर, कल दिन को 2 बजे। और वो कल रात से घर ही नहीं लौटा है। ये कैसे मुमकिन है कि तीन दोस्त एक साथ ट्यूशन के लिए निकले और एक साथ गायब हो गए? और तीनों के मोबाइल फोन्स भी तब से ही स्विच ऑफ आ रहा है। और इनके कॉल रिकॉर्ड्स की क्या सिचुएशन है? सर, कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स आज रात तक मिल जाएगी। तीनों में से कल कोई भी ट्यूशन नहीं आया। क्या इससे पहले भी तीनों ने एक साथ ट्यूशन से स्किप किया था? बहुत बार तो नहीं, मगर हाँ, अगर तीनों में से कोई एक भी ट्यूशन स्किप करता है तो बाकी दोनों भी स्किप कर देते हैं। भले ही वो लोग अलग अलग कॉलेज के थे, लेकिन तीनों बहुत पक्के दोस्त हैं। क्या अमृता का चंदन या रोहन किसी के साथ अफेयर चल रहा था? मेरे हिसाब से तो वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, और अमृता का बिहेवियर चंदन और रोहन के साथ एक जैसा ही था। जितवार, अच्छा तो यहाँ से बनाया गया मेरे बेटे को उठाने का प्लान है ना? सारे के सारे भिखारी आपस में मिले हुए। हम तो हमारी बहन अमृता, चंदन और रोहन का कैसे पता लगा ये बात करने आए हैं। साहब को जितना भी दूध पिलाओ पालो, रास्ता नहीं छोड़ता वो। इनकी चाल थी नहीं सब। ये हमारी कोई चाल नहीं है, सब किया धरा तुम्हारा ही है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम्हारा बेटा गरीबों से दोस्ती ना रखे, इसलिए ये सब तुमने करवाया है अपने पैसे और ताकत के दम पर। जीतवाल, अगर मेरे बेटे का बाल भी बांका हुआ ना तो तेरे घर की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। देख लूंगा तुझे मैं। सर, यही लोकेशन है जहाँ 13 अप्रैल को तीनों की लास्ट लोकेशन ट्रेस की गई है 6 बजे। देखिए, इस एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लेनी होगी। ओके सर, चलो। सर, यहाँ गाड़ी है। तलाशी लो गाड़ी की। चल देगी, कुछ मिला? नहीं सर, गाड़ी के अंदर बैग छोड़ के और कुछ नहीं मिला, और ना ही यहाँ किसी के साथ कोई जबरदस्ती होने का सुराग दिखाई दे रहा है। देगी, ऐसा हो सकता है कि तीनों कार को यहाँ छोड़कर कहीं भाग गए, या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया, या फिर ये भी हो सकता है कि किडनैपर ने तीनों को यहाँ से गायब किया, गाड़ी को यहाँ छुपाया और उनको ले उड़ा। सर, कॉल डिटेल से भी तो हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है कि उस दिन इन तीनों के साथ कोई और भी था। तीनों की फोटो आसपास के इलाके में दिखा के पूछताछ करो। ओके सर। सर, ये देखिए सर, हमने सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। रोहन को कोई फॉलो नहीं कर रहा था सर। कहीं इस किडनैपिंग के पीछे चंदन या अमृता में से तो कोई नहीं है? सर, चंदन के बारे में तो नहीं पता, लेकिन उसके पिता जीतपाल के बारे में कुछ अहम बातें पता चली है। 6 साल पहले जीतपाल बलवंत की गारमेंट फैक्ट्री में हैंडपिन का काम करने वाला एक बढ़िया कारीगर हुआ करता था, लेकिन एक रात उस फैक्ट्री में चोरी हुई, जिसके लिए बलवंत ने जीतपाल को और साथ में 4 और लोगों को जिम्मेदार ठहराया और काम से निकाल दिया, जिनमें से जीतपाल एक है। और साथ ही साथ उसने ये भी ठान ली कि उन 5 लोगों को शहर में कहीं भी काम ना मिले। उसके बाद से जीतपाल छोटा मोटा काम करके अपना घर चला रहा है सर। इस जीतपाल के पास बहुत ही ठोस वजह है रोहन को किडनैप करने की। उठा के लाओ उसको। यस सर।
हमें तुम्हारी और बलवंत की दुश्मनी के बारे में पता चल चुका है। तुम लोगों ने जानबूझकर अपने बेटे चंदन को उसी ट्यूशन में भेजा जहां रोहन पढ़ता था। फिर तुमने चंदन को रोहन से दोस्ती करने के लिए कहा, और जब रोहन चंदन पे आंख मूंद के विश्वास करने लगा तब तुमने चंदन से बोल के उसका किडनैप करवा दिया। साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, मगर हमारे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है। एक बार पहले ही बलवंत हमारी जिंदगी खराब कर चुका है और वो दोबारा हमारी जिंदगी खराब करना चाहता है। साहब, हमसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। साहब, हमारा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज है, उसके उसके भविष्य पर ही हमारी कई उम्मीदें टिकी हुई है। हम भला अपने बेटे से ही ऐसा काम क्यों करवाएंगे जिससे उसका ही भविष्य खराब हो। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग रोहन। क्या कर रहे हो बेटा? बस वही रोज की टाई। पापा कब सीखोगे? छोड़ो, ऑल सेट। रोहन, रोहन बेटा, बेटा तू कहाँ चला गया? देख कल से घर वाले सारे परेशान हैं। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। अब रोहन परलोक जाएगा अगर कल सुबह 9 बजे आप हनुमान मंदिर के पास 25 लाख का बैग लेकर नहीं आए तो। सांप की औलाद सफल है। देख मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, बोल रहा मैं तुझे। देख मैं कल तक तेरा सारा पैसा दे दूंगा, मुझे मेरा बेटा सही सलामत चाहिए, समझ गया ना तू? चंदन, चंदन, ठीक है टेबल पे रखो। यस सर। सर रोहन का फोन कुछ देर पहले एक्टिव हुआ था और उसे बलवंत बाजवा को कॉल किया गया, लोकेशन भी ट्रेस हो गई। तुम लोकेशन पे पहुंचो, मैं बलवंत के घर पहुंचता हूँ। सर सर ये वही जगह है जहाँ रोहन का फोन एक्टिव हुआ था। अगर कॉल यहाँ से हुआ है तो वो तीनों भी कहीं आसपास होंगे। ये एरिया तो रुड़की सहारनपुर बॉर्डर पे है और इस 40 किलोमीटर के हाईवे पे करीब 23 गांव हैं। अगर हम सभी थानों से पुलिस बुलाकर भी यहाँ खोजने बैठेंगे तो कम से कम 6 महीने बीत जाएंगे। चेतन, हमें आसपास के थानों से सभी क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड चाहिए जो चोरी, किडनैपिंग और मर्डर के मामले में अटके हैं। पुलिस ने रोहन, चंदन और अमृता की तस्वीरें लोगों को दिखाकर अपनी पूछताछ को और तेज कर दिया था। ये सब सुनने के बाद मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ सच सुनना चाहता हूँ। हेलो अंकल, पहचाना? चंदन बोल रहा हूँ। रोहन अब परलोक जाएगा अगर आप कल सुबह 9 बजे हनुमान मंदिर के पास 25 लाख रुपया लेकर नहीं पहुंचे तो। अब चुपचाप अपने जुबान खोलो और सच सच बताओ रोहन को कहां छुपा कर रखा है। साहब हमें कुछ भी नहीं पता और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि चंदन से ये सब कुछ बुलवाया गया है। साहब हम तो सीधे साधे मेहनत कश लोग हैं, हम ये अपहरण जैसा काम क्यों करेंगे? साहब साहब मेरा बेटा कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, वो भी जरूर किसी मुश्किल में होगा, उसे बचा लीजिए। तुझे कितनी बार कहा था कि चंदन को बोल उस रोहन से दूर रहे, पर तू समझा नहीं पाई। अब उगत साहब, इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। अगर इस सब में तुम्हारा हाथ निकला ना तो उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। चंदन चुप हो जा, सारी का चुप हो जा। इंस्पेक्टर साहब, वो सड़क छाप चंदन का किया धरा है सब कुछ, मुझे तो पहले से ही शक था। चंदन के परिवार वालों को उठाइए आप और दिल से खातिर कीजिए, सब उगल देंगे वो। पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे वो। हमें पता है क्या करना है, सब पे नजर है हमारी। रोहन और अमृता के सामने शक की सुई चंदन पर घूमी लेकिन उसने सच बता दिया कि ये किडनैपर्स की चाल थी। क्या चंदन सच कह रहा था? और दूसरी तरफ पुलिस के सामने चंदन और रोहन के परिवारों के बीच की रंजिश भी सामने आने लगी थी। पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं हमसे वो। इस बलवंत के परिवार को जानने की हमको हर बार कीमत चुकानी पड़ी है। क्या ये सच में एक दोस्त की दगाबाजी थी या फिर एक बाप ने दोस्ती का सहारा लेकर अपनी दुश्मनी को अंजाम देना चाहा था, या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही दिमाग चल रहा था? पुलिस इस राज से पर्दा हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। लोकेशन से रोहन का मोबाइल ट्रेस हुआ था, उस लोकेशन के 40 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी पुलिस स्टेशन से क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड मंगवा लिए हैं, सब पे नजर भी रखी हुई है, लेकिन इसमें काफी वक्त जाएगा सर। और लास्ट फोन कॉल लोकेशन में पहुंच के भी हमने पूछताछ की, कुछ पता नहीं चला। लेकिन इन किडनैपर्स को हमें फिरौती लेते हुए ही पकड़ना है सर। हम
रोहन की दीक्षा की। तो टेंशन मत ले, अपना रोहन सही सलामत आएगा। किडनैपर नहीं आएगा, आसपास के पूरे एरिया में छानबीन तेज करो। ये किडनैपर बहुत ही शातिर आदमी है, या फिर चंदन और अमृता में से कोई एक। आप लोगों के वजह से मैं अपने बेटे को छोड़ा नहीं पाया, उन्हें भनक लग गई थी पुलिस की। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। साहब मुझे पूरा यकीन है ये सब खुद बलवंत का किया धारा है। लेकिन बलवंत खुद अपने ही बेटे को किडनैप क्यों करवाएगा? सर हो सकता है किडनैपिंग बस उसकी एक चाल हो, अमृता और चंदन को रोहन के रास्ते से हटाने की। आखिर बलवंत की अमृता और चंदन से क्या दुश्मनी हो सकती है? दुश्मनी नहीं साहब, नफरत थी उसे अमृता और चंदन से। पर एक बार तो उसने आपके लिए सारा इंतजाम किया हुआ है, चिंता मत कीजिए, आइए तो सही। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एक सेकंड रुको रुको, मैं फोन करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अंकल रोहन ने हमें बर्थडे में बुलाया। तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अंकल बस एक बार उसे विश कर दे और गिफ्ट्स दे दे, फिर हम चले जाएंगे। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी चंदन ने रोहन की दोस्ती नहीं तोड़ी साहब। दोनों को बहुत नाज था अपनी दोस्ती पर, पड़ गई भारी। साहब ये बलवंत ने किया है, अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। अपनी बहन अमृता के गायब हो जाने से फिक्रमंद अनीता और सुनीता रोजाना पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आती थी। हम आपसे आपके पति बलवंत बाजवा के बारे में जानना चाहते हैं। जी पूछिए। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि बलवंत को अमृता और चंदन दोनों से इतनी नफरत हो गई थी? रोहन उन दोनों के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च करने लगा था, यहाँ तक कि कभी कभी तो उनके ऊपर 50,000 रुपए तक खर्च कर देता था। और उसके पापा को इस बात का यकीन हो गया कि वो उसके नहीं उसके पैसों के दोस्त हैं। तो ये वजह थी बलवंत की अमृता और चंदन से नफरत करने की? जी, पर आप ये सब क्यों जानना चाहते थे? ये जानने के लिए कि लोग बलवंत से और बलवंत लोगों से इतनी नफरत क्यों करता है। बलवंत को लगता है कि चंदन और अमृता रोहन के केवल पैसे के ही दोस्त हैं। उसके भिखारी दोस्त चंदन और अमृता। तुमसे ना मेरे नौकर भी अच्छे हैं, चलो निकलो यहाँ से, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। उसे उनसे खतरा महसूस होता है, चांसेस हैं कि इसमें बलवंत की ही कोई चाल हो। हमें किसी भी पॉसिबिलिटी को अनदेखा नहीं करना है। सर किडनैपर से पैसे लेने नहीं आए, मतलब बलवंत का पैसा उसी के पास है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने किडनैपिंग के आड़ में अमृता चंदन और उसके परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए काम किया हो? हाँ बोल। सर यहाँ एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। क्या? ठीक है, हमारे गाड़ी को रुड़की सहारनपुर हाईवे पे ले लो। का मतलब वो लोग भी आसपास ही हैं। लेकिन सर इसे क्यों मार दिया? कहीं पैसे ना मिलने का गुस्सा इस पर तो नहीं उतारा? आसपास के पूरे एरिया में अच्छे से छानबीन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। यस सर। अपहरण का साधारण सा दिखने वाला ये केस चंदन की मौत के साथ पुलिस के लिए एकदम संगीन हो गया था। क्या वाकई बलवंत बाजवा ने खेल खेला था? जो भी हो, चंदन को मारकर अपराधियों ने अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए थे। पेचीदगियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग और सबूत नहीं लगा था। और चंदन के माता पिता पर यह खबर एक बिजली बनकर टूटी थी। चंदन, चंदन, मेरा चंदन, चंदन, आखिर बलवंत ने बदला ले ही लिया और आप लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वो अमीर आदमी है, पैसे वाला, वो सब कुछ खरीद सकता है। पुलिस ने अब कमर कस ली थी। उन्होंने अपहरण और कत्ल जैसे संगीन अपराधों में संदिग्ध अपराधियों की बारीकी से छानबीन शुरू की। एक एक नाम को टटोला गया। रोहन, चंदन और अमृता की पूछताछ में भी तेजी लाई गई। सर
हमने बलवंत बाजवा के कॉल रिकॉर्ड से लेकर हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी निकल के सामने नहीं आया जिससे ये साबित हो सके कि सब के पीछे बलवंत का हाथ है। अब तक हमारा शक इन तीनों की आपसी रंजिश या परिवार वालों पे रहा है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि सब के पीछे कोई ऐसा हो जो या तो इनकी फैमिली के बहुत करीब हो या इन तीनों दोस्तों के। एक काम करो, इनके घर पर आने जाने वाले हर आदमी पे नजर रखो। ओके सर। पुलिस ने इन तीनों परिवारों के साथ मिलने जुलने वाले हर इंसान पर नजर रखी। कोचिंग सेंटर्स भी खंगाले गए और पुलिस की ये छानबीन कुछ हद तक कामयाब साबित हुई। सर, कोचिंग क्लास के टीचर रेनू ही हैं जो तीनों परिवार के साथ रेगुलर कांटेक्ट में है। इस टीचर की पूरी डिटेल निकालो, पता करो कि इसके साथ कौन कौन है, इस सब में ये अकेली है या इन तीनों बच्चों में से कोई इसके साथ मिला हुआ है। ओके सर। सर, हमने कोचिंग सेंटर के बारे में वहाँ के स्टाफ और कुछ और लोगों से पूछताछ की और साथ ही रेनू के बैंक से भी पता लगवाया तो पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पे 50 लाख रुपए का कर्जा लिया गया है। देखिए, हो सकता है इस किडनैपिंग के पीछे ये ट्यूशन टीचर रेनू ही है। हो सकता है सर। ये देखिए, रेनू शर्मा लगातार इस आदमी के साथ कॉन्टेक्ट में है, इसका नाम है रघु। अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, ऐसे केसेस में कई बार ये पकड़ा जा चुका है। सर, इस रघु और रेनू शर्मा के बीच काफी कॉल्स हुए हैं, उठा के लाओ दोनों को। यस सर। आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं मैडम? क्या प्लानिंग है आपकी? सर, मैं तो बस अमृता के लिए परेशान थी। रोहन और चंदन भी मेरे ही कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं। ऐसे वक्त पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके परिवार के साथ खड़ी रहूं। रघु को कैसे जानती हैं? रघु तो बरेली का बहुत बड़ा बिल्डर है और वो वहाँ पर एक नए कोचिंग सेंटर के लिए मेरी मदद भी कर रहा है। हम लोग एक दूसरे को चाहने भी लगे हैं। मुझे माफ कर। सच बता तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। रघु के बारे में बाकी की जानकारी मैं दे दूं आपको? रघु मेरठ का हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर चोरी, धोखाधड़ी और अटेम्प्ट टू मर्डर के कई चार्जेस हैं। पिछले 2 सालों से वो वांटेड भी है। मैंने तो 50 लाख रुपए लोन लेकर उसे नए कोचिंग सेंटर के लिए भी दे दिए। वो सारे पैसे तो मैंने जुए में उड़ा दिए था। और साहब, मैं सच कह रहा हूँ, मेरा इस किडनैपिंग से कुछ लेना देना नहीं, कुछ लेना देना नहीं सर। सर, ये मामला तो कुछ और ही है। किडनैपिंग के पीछे अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? देखिए, रोहन, चंदन और अमृता तीनों के घर वालों पे कड़ी नजर रखो और इन सब के फोन भी ट्रेस करते रहो, खासतौर पर रोहन के घर का, क्योंकि किडनैपर दोबारा फोन जरूर करेगा। ओके सर। अगर अपने बेटे रोहन को जिंदा देखना चाहते हो तो इस बार 50 लाख रुपए पुराने पुल पर लेकर आना, और गलती से भी अगर पुलिस को इस बार बताया तो हम रोहन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रोहन, मेरा बेटा, उसे बचा लीजिए प्लीज, उसे बचा लीजिए। आप सुनते क्यों नहीं है? रोहन को बचा लीजिए। ओके, ठीक है। सर, खबरी से पता चला है कि राजू नाम के बंदे से फेक सिम कार्ड लिए गए हैं। एक काम करो, राजू की दुकान से इशूड सभी वन टाइम यूज्ड मोबाइल कनेक्शंस के लोकेशन ट्रेस करो, हो सकता है ये हमें उनके पास ले जा सके। ओके सर।
मुझे छोड़ दो। रुको। घूंघट उठाओ इसका। साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। सीधे सीधे बोल दे, किसके कहने पे किया ये सब? साहब, वो मेरे पति को नया धंधा शुरू करना था और सुनीता की शादी के लिए भी पैसे चाहिए थे, इसीलिए पैसों का इंतजाम करने के लिए हम दोनों ने ये सब किया सर। मैंने एक काम अपने दोस्त पूरा उसकी बीवी रेशमा को सौंपा और बदले में 10 लाख रुपए देने का वादा किया। सर, हमने अमृता को फोन पर बात करते हुए सुन लिया था कि वो ट्यूशन स्किप करके राजपुर वाली रोड पर जाने वाली है ड्राइव के लिए, और सर हमने ये खबर भूरा और रेशमा को बता दी जिन्होंने आगे का प्लान किया था, और सर अमृता ने रेशमा को एक बार देख लिया था इसलिए वो उसे पहचान ना ले तो वो हमेशा घूंघट करके रखती थी। तुम लोगों के लालच ने 3-3 घरों में अंधेरा कर दिया, अब जेल की काल कोठरी के अंधेरों में बैठकर अपनी खुशियां ढूंढते रहना। विश्वास, भरोसा, ये वो शब्द हैं जिनकी नींव पर रिश्तों की इमारत खड़ी होती है, और अगर एक भी ईंट खिसक जाए तो या तो इस इमारत में दरारें पड़ जाती हैं या फिर पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। तीनों दोस्तों की दोस्ती की इमारत काफी मजबूत थी, लेकिन इतनी मजबूत नहीं थी कि अपने अंदर शक को न पनपने दे। पहले रोहन और अमृता ने चंदन पर और फिर रोहन ने अमृता की दोस्ती पर शक किया, और ये शक इन तीनों की जिंदगियों को बर्बाद कर गया। अनीता और सुनीता ने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए अपनी बहन अमृता के अमीर दोस्त रोहन को निशाना बनाया, लेकिन उनके लालच की इस चक्की में अमृता भी पिस गई। 3 जिंदगियां और उनके परिवार तबाह हो गए, उनके सपने चकनाचूर हो गए। अपने बच्चों की खुशियों और उनके भविष्य की चिंता में लगे माता पिता को उनकी मौत ने हिलाकर रख दिया। ये माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को हर सुख सुविधा प्रदान करने की कोशिश करें, लेकिन बच्चों का भी ये फर्ज है कि वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके माँ बाप या वो खुद किसी तकलीफ में आ जाए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।